हेलो गाइड, फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं रांची का सेकेंड हैंड बाइक शोरूम। तो अभी हम लोग को एक बाइक ख़रीदना है सेकेंड हैंड। तो अभी हम लोग जाएंगे रांची नमकोम में, एक शोरूम है, वहाँ जाएंगे कुछ क्षणों में और आप लोग को दिखाएंगे वहाँ बाइक। जिनको भी सेकेंड हैंड बाइक लेना है वो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा अच्छा अच्छा बाइक है वहाँ पर। मैं भी वहाँ नहीं गया हूँ अभी, लेकिन जाने वाला हूँ, मुझे रास्ता भी नहीं पता है। मैं पूरा जाऊँगा, आप लोग को पूरा वीडियो दिखाऊँगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा अच्छा बाइक है वहाँ पर, तो ये लास्ट तक बने रहिएगा। तो देख सकते हैं हम लोग अभी बाइक के लेके निकलने वाले हैं यहाँ से। हमारा बाइक स्टार्ट हो गया है, निकलते हैं यहाँ से। तो फिलहाल अभी हम लोग आए इस रोड पहुंच गए हैं, लेकिन एक लड़का और जाएगा तो अभी हम लोग यहाँ रुकेंगे थोड़ा देर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अभी घर से निकल गए हैं और अभी हम लोग ब्लॉक चौक पार हो चुके हैं और यहाँ आ गए मधुबन पास पेट्रोल टैंक के पास। हाँ, पेट्रोल डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी 200 का तेल ले लिए हैं, यानी 2 लीटर। और ये देख सकते हैं ये बंदा जो आगे पीला शर्ट में बैठा हुआ है, उसी को बाइक ख़रीदना है। तभी हम लोग जाएंगे, अभी सीधे शोरूम में मिलते हैं आप लोग को। अभी हम लोग चिड़ियाघर पे देख सकते हैं, सीधे आप लोग को शोरूम दिखाते हैं डायरेक्ट। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग शोरूम पहुंच गए हैं और देखिए अभी शोरूम के अंदर जाने वाले हैं। देख सकते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर लगा हुआ है ड्यूक 200, उसके बाद R1 है, CBR है, यह हॉर्नेट है, उसके बाद CBZ है, ये भी R15 है, ये 220 पल्सर, 150 है, यह हीरो है, और देखिए ये ग्लैमर, ये भी ग्लैमर, होंडा स्प्लेंडर, पैशन, और देखिए ये पैशन प्रो, स्प्लेंडर देखिए, और यहाँ से स्कूटी। अभी आप लोग को प्राइस दिखाते हैं। यहाँ सबका आगे लिखा हुआ है,
देख सकते हैं सबका प्राइस लिखा हुआ है यहाँ 1,15,000 और इसका लिखा हुआ है यहाँ 72,000 और इसका यहाँ है 75,000 और यह है 69,000, ये 52,000 और ये इसका कहीं दिखने रहा है, छोड़ दीजिए इसका, इसका भी नहीं लिखा हुआ है और ये है 78,000, ये है 72,000 और ये न्यू है शायद, इसमें नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है, देख सकते हैं कंडीशन। और ये है डिस्कवर ओल्ड मॉडल, इसका भी प्राइस नहीं लिखा हुआ है और ये है ग्लैमर न्यू मॉडल, ये 72,000 या 59,000 और न्यू मॉडल ही है। ये है साइन, इसका भी इसका 49,000 दाम हो चुका है, देख सकते हैं कितना अच्छा कंडीशन में बाइक, देख सकते हैं। और ये होंडा है स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल वाला, तो इसका भी प्राइस नहीं लिखा हुआ है। और देखिए ये पैशन प्रो 52,000 और ये भी देख सकते हैं हीरो का है आई स्मार्ट, ये 55,000 और ये 48,000, देख सकते हैं पैशन प्रो, ये भी है स्प्लेंडर, इसका भी प्राइस नहीं लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं स्प्लेंडर कंडीशन, देख सकते हैं इसका भी प्राइस नहीं लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं ये कंडीशन, देखिए इसमें भी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है। और ये देखिए एक्टिवा 42,000 और देख सकते हैं ये बाइक का नाम तो नहीं दिख रहा है लेकिन प्राइस है 69,000 और ये सुजुकी 52,000, यह है हुंडा का एक्टिवा 4G है शायद 45,000, देख सकते हैं डियो, इसका भी प्राइस नहीं लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं होंडा का 32,000 और ये है के टीवीएस, इसका है 39,000 और देखिए इसका भी प्राइस नहीं लिखा है, होंडा का है। और यह है होंडा स्कूटी 39,000 और यह लास्ट बाइक है 45,000 का। तो ये हमारा लास्ट स्कूटी है और देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक बाइक भरा हुआ है, तो हम लोग को लेना है स्प्लेंडर, देखिए इसको हम लोग को बात करना है कितना प्राइस में ये मिलेगा, इसमें प्राइस नहीं लिखा हुआ है, तो भैया से पूछ के अभी हम लोग को इस बाइक को लेना है।